कोई चेक करना इतना डर प्रज्ञा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये अवार्ड जीता। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की कठिनाइयां आपको महसूस करनी पड़ी यहाँ पर यहाँ तक का सफर तय करने में? जी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट है इस क्षेत्र में जाना क्योंकि घर भी एक हाउसवाइफ के लिए घर भी देखना होता है तो बच्चे पूरी फैमिली को देखना संभालना फिर इसके लिए तैयारी करना हाउ टू वॉक हाउ टू ड्रेस अप हाउ टू बॉडी लैंग्वेज तो डिफिकल्ट रहा बट मैंने किया मुझे अच्छा लगा। बिहार से आप ताल्लुक रखती हैं? जी हाँ बिहार में मेरा मायका है। हाँ काशी की बहू है। जी हाँ उसको लेकर के किस तरह का रिस्पांस रहा वहाँ पर? वहाँ पे बहुत ही खुशियों का माहौल रहा। वहाँ पे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने गई थी तो बहुत ही लोग बिहार के बहुत ही लोग खुश हैं और प्राउड फील कर रहे हैं तो मुझे भी जान के बहुत खुशी होती है कि मेरे अपने लोग इतने खुश हैं और इतना मुझे सम्मान दे रहे हैं तो बहुत ही खुशी होती है मुझे देख के। आम गलियों से निकल कर हाँ जी और एक स्पेशल बहू हो गई है हाँ लग रहा है। बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे। जी हाँ एक हाउस वाइफ के लिए इस तरह का सफर होता है यहाँ तक पहुँचना उनको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जी हाँ मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि सबको जीने का हक है और अगर मंजिल पाना है तो थोड़ी संघर्ष करने पड़ेंगे लेकिन वो जुनून रहेगा वो अहम बनाए जिसको भी जो भी पाना है जिस क्षेत्र में भी जाना है वो अहम बनाना चाहिए उसके बाद फिर उस पे संघर्ष करते रहना चाहिए प्रयास करते रहना चाहिए मंजिल मिल ही जाती है। हाँ जी और फैमिली के लिए भी कहना चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट करें उनका ख्याल रखें क्योंकि सबको जीने का हक है सबको अपने सपने पूरे करने का हक है तो सपोर्ट करें फैमिली पैर बल के खींचे ना सपोर्ट करें।